अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चनों की पुलाव बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए कि चनों की पुलाव मैंने किस तरह से तैयार की। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 5 ग्लास जो हैं वो वाटर के ऐड किए हैं प्रेशर कुकर के अंदर। और इसके बाद जब ये पानी आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए हैं, जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो मैं आप देख रहे हैं चने, ये मैंने जो है इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून काला नमक डालकर इसको 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। ये आप देख सकते हैं कि 4 घंटे के बाद भिगोने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब ये चने हम अपनी देगची के अंदर यानी प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। प्रेशर कुकर से ये होगा कि फटाफट से जल्दी से चने बॉयल हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता इनको। इस तरह से मैंने काला नमक डालकर इसको भिगोया था चनों को। आप आम जो रूटीन में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी डालकर भिगो सकते हैं, लेकिन काले नमक से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। चावलों में, सालन में डालें, किसी में भी डालते हैं इस तरह से। अब हम चनों को प्रेशर कुकर लगाकर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अब हम चावलों के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए ये देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इस तरह से स्लाइसेस में हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, साथ ही हम इसके अंदर 1 प्याली ऑयल भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन कलर में आ जाए। पुलाव के लिए जो है मिक्सचर ये लिया हुआ था पहले से डब्बा, वो मैंने दही के अंदर इसलिए मिक्स किया है ताकि जितने भी इसके अंदर स्टोन होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। जैसे हम फेंटते हैं दही को, उस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। ये देखिए, साथ साथ हम प्याज को भी फ्राई कर रहे हैं और साथ साथ बाकी जो इसके मसाला जाते हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। प्याज जो है वो डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। मैंने जो है फ्रोजन टमाटर इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए, ये दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ये भी हमने इसके अंदर इस पॉइंट पर ऐड करके इसको मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। अब उबाल आने तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इस कुकिंग के दौरान मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, वो ये है कि जिनके घर दही अवेलेबल ना हो वो टमाटरों की तादाद इसके अंदर डबल कर दें।
अब हम इसको ढक कर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे चने अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इनके बॉईल कर लेने के बाद इनको चेक करने की निशानी ये है कि आप यूँ हाथों की मदद से इन्हें पकड़ें और यूँ करके ये देखिए सॉफ्ट से आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे चने चावलों के साथ से बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसके अंदर ये चिकन कनौर क्यूब का पैकेट मिलता है बाजार से, इजीली हर स्टोर पर अवेलेबल है, ये डालेंगे एक क्यूब, सिर्फ एक क्यूब इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हम इसके अंदर 3 मोटी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए जब मसाला हमारा तैयार हो जाए तो उसकी निशानी ये है कि मसाला ऑयल से अलग होना शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से मसाला जो है वो कढ़ाई के नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो जिससे हमें पता मालूम हो जाता है कि मसाला तैयार है। अब हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चने ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 3 बड़ी प्यालियाँ जो हैं इसके अंदर चने की बॉयल की हुई शामिल कर दी हैं। अब हम इसकी लो टू मीडियम आंच पर इसकी अच्छी से भुनाई कर देंगे ताकि सारा मसाला चनों के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। इसके अंदर ये चनों की जो हमने यखनी से तैयार की थी ये शामिल करेंगे हमारे चावलों को गल जाने के लिए। ये अब मैं 1 गिलास पहले इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए ग्लास हम इसके अंदर उसी यखनी का ऐड कर रहे हैं। ये तीसरा ग्लास हमने थोड़ा सा पानी मिक्स करके शामिल कर दिया है। चार ग्लास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी को जब तक बॉयल, ये देखिए जो हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था उसको उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने आधा घंटे के लिए चावल भिगो कर रखे थे वो ऐड कर देंगे। अब हम स्ट्रेनर की मदद से जो 2.5 ग्लास चावल थे ये ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए चावलों को हम किस तरह से अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। उबाल आने तक इसको पकाएंगे
और बस। चावलों के साथ हम दही को भी तैयार करेंगे। चावल हमने दम पे लगा दिए हैं 20 मिनट के लिए। अब दही को तैयार करने के लिए देखिए, मैंने आधा किलो दही ली है, उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, धनिया का मिक्सचर, 1 टेबल स्पून पुदीना और 1 छोटी मिर्च को कूट कर शामिल कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि चावलों के साथ सलाद और दही बहुत अच्छी लगती है, लगता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं आप किस तरह लाइट सा ग्रीनिश कलर आना शुरू हो गया। ये डाल दिया, टू पिंच जो है वो सॉल्ट के ऐड कर देंगे, और इसके अलावा हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज कट कर ली थी, 3 मैंने खीरे कट कर लिए हैं, और ये मैंने टमाटर चॉप कर लिए थे फाइन। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा फिर सलाद तैयार हो जाएगा। ये है क्विक सी रेसिपी सलाद की। देखिए अब हम दम खोल रहे हैं और किस तरह से चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए चावल कितने खिले खिले से हैं। Thank you.